नमस्कार दोस्तों आज हम आपके पास फिर से लेकर आए हैं एक वीडियो क्विज या वीडियो क्विज सर्वेइंग में लेवलिंग पर आधारित है तो हमारा पहला सवाल है अ डैटम सरफेस इन लेवलिंग इज हॉर्जेंटल सरफेस वर्टिकल सरफेस लेवल सरफेस और नन ऑफ दीज तो इसका सही जवाब होगा लेवल सरफेस क्वेश्चन नंबर टू रिड्यूस लेवल ऑफ ए पॉइंट इज इट्स हाइट और देफ्त एव और बिलो द ग्राउंड इज द एज्यूम्ड डेटम एज्यूम्ड हॉरिजेंटल सर्फेस और द लाइन ऑफ कॉलिनेशन तो Reduce level of a point is its height or depth above or below the assumed datum. Question number three. The correction for the atmospheric refraction is equal to plus 1 upon 7 of the correction of the curvature of the Earth. 1 upon 7 of the correction of the curvature of the Earth. Plus six upon seven of the correction of the curvature of the earth or six upon seven of the curvature correction of for the curvature of the earth. Upper correction for atmospheric refraction is equal to plus one upon seven of the correction of the curvature of the earth. If the back sight reading at a point A इज ग्रेटर देन द फोर साइट रीडिंग एट पॉइंट बी देन ए इज़ हायर देन बी बी इज हायर देन ए हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड टू नो विच पॉइंट इज हायर इंस्ट्रूमेंट पोजिशन इज रिक्वायर्ड टू नो विच पॉइंट इज हायर यहां क्लियरली है अगर बैक साइट ए पॉइंट पर बड़ा है फोर साइट बी पॉइंट के तो उस कंडीशन में इसका मतलब निकलता है कि बी पॉइंट इज हायर एन लेन दैट आर चेंज फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर स्टाफ़ स्टेशन दैट आर चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट टू ऑब द रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट दस्टाफ अस्टेशन ऑफ नॉन एलिवेशन स्टाफ स्टेशन वे आर बैक साइट एंड फोर साइड रीडिंग चेंजिंग पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर कि बैक साइट और फोर साइट दोनों ही जिस पर लिया जाता है इसका मतलब ऑप्शन डी बैलेंसिंग ऑफ साइट मींस बैलेंसिंग ऑफ साइट का क्या मतलब है मेकिंग फोर साइड रीडिंग इक्वल टू द बैक साइड रीडिंग मेकिंग द लाइन ऑफ कॉलमेशन टल मेकिंग द डिस्टेंस ऑफ फोर साइट स्टेशन इक्वल टू डेट ऑफ बैक साइड स्टेशन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन टेकिंग बैक साइड रीडिंग एट द सेम स्टेशन तो बैलेंसिंग ऑफ साइट का मतलब होता है कि मेकिंग द डिस्टेंस ऑफ फोर साइट स्टेशन इक्वल टू डैट ऑफ द बैक साइट स्टेशन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन यानी ऑप्शन सी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ रिड्यूस लेवल इज प्रेफर्ड वे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड रिड्यूस लेवलिंग में कब प्रेफर किया जाता है देर आर लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइट देर आर नो इंटरमीडिएट साइट देर आर लार्ज नंबर ऑफ फोर साइट्स एंड देर आर नो फोर साइट्स तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड जो है रिड्यूस लेवल में जब प्रेफर किया जाता है जबकि लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइट्स होते हैं यानी ऑप्शन ए सेंसिटिविटी ऑफ ए बबल ट्यूब डिपेंड्स अपॉन बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी किन बातों पर निर्भर करती है रेडियस ऑफ द कर्वेचर, द लेंथ ऑफ द वेपर बबल द स्मूथनेस ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द बबल ट्यूब या ऑल ऑफ सेंसिटिविटी उपरोक्त तीनों पर डिपेंड करती है अतः इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द दिसल लेवलिंग इज इम्प्राइट टू डिटरमाइन द एक्यूरेट डिफरेंस इन लेवल ऑफ टू पॉइंट विच रेसिप्रोकल लेवलिंग का इस्तेमाल किया जाता है एक्यूरेट डिफरेंस इन लेवलिंग टू पॉइंट के बीच का लेकिन कब are quite apart where it is not possible to, to set up the instrument midway between the points, are quite close and where it is not possible to set up the instrument midway between the points, have very large difference in level and two instruments sitting are required to determine the difference in level, are at most same elevation. रेसिप्रोकल तो लेवलिंग का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें एक्यूरेट डिफरेंस इंप्लाई करना होता है पता करना होता है जब दो पॉइंटों के बीच में उनका डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है और उन दोनों के बीच में इंस्ट्रूमेंट मिडवे स्थापित करना पॉसिबल नहीं होता है तो इसका ऑप्शन ए वेन अ लेवल इज इन एडजस्टमेंट द लाइन ऑफ साइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज अगर लेवल एडजस्टमेंट में है तो लाइन ऑफ साइट जो इंस्ट्रूमेंट होगा होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड पैरल टू द बबल ट्यूब एक्सेस परपेंडिकुलर द वर्टिकल एक्सेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड बबल लेवल एक्सेस परपेंडिकुलर टू द बबल ट्यूब एक्सेस एंड पैरल टू दर्टिकल एक्सेस या none of ऑफ द तो अगर लेवल एडजस्टमेंट में है तो लाइन ऑफ साइट जो होगा वो परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सेस इंस्ट्रूमेंट का होगा और पैरेलल टू द बबल ट्यूब एक्सेस होगा इसका मतलब हुआ ऑप्शन ए एंड इसका आखिरी सवाल अ डम्पी लेवल इज प्रेफर्ड टू डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ पॉइंट डंपी लेवल का इस्तेमाल कब किया जाता है लाइंग्स ऑन हिल जो पॉइंट्स हैं लाइंग ऑन अ लाइन लाइंग इन मोडरी फ्लैट टेन और ऑन कॉन्टूर ग्रेडियंट तो यहां पर है लाइंग इन मोडरेटरी फ्लैट टेन तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा आइए चेक करते हैं कि क्या हमने इनमें जो सभी सवाल हमने जो अभी चेक किए हैं उनकी करेक्टिविटी क्या है तो हमने इसे सबमिट कर दिया और इसका हम स्कोर देखते हैं तो स्कोर में आप देख रहे हैं कि डेटम सरफेस इन लेवलिंग इज अ लेवल सरफेस। ये बिल्कुल सही है रिड्यूस लेवल ऑफ ए पॉइंट इज इट्स हाइट और डेफ्थ एवं बिलो द एज्यूम्ड डेटम ये भी सही है द करेक्शन फॉर द एटमोस्फेरिक रेफ्रैक्शन टू प्लस वन बाई सेवन ऑफ द करेक्शन फॉर द ऑफ द द अर्थ ये भी सही है इफ बैक साइड रीडिंग एट अ पॉइंट ए इज ग्रेटर देन द फोर साइड रीडिंग एट पॉइंट देन बी इज हायर देन ए ये भी सही है चेंज पॉइंट इन लेवलिंग आर चेंज पॉइंट आर स्टेशन वे बैक साइड एंड भी सही है बैलेंसिंग ऑफ साइट का मतलब होता है बैक साइड स्टेशन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन यह भी सही है द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ रिड्यूस लेवल इज प्रिफर्ड वेन देर आर लार्ज नंबर ऑफ द इंटरमीडिएट साइट यह भी सही है सेंसिटिविटी ऑफ़ अ बबल ट्यूब डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ द बबल ट्यूब लेवलिंग इज इम्प्लाइड टू डिटरमाइन द एक्यूरेट डिफरेंस इन लेवल ऑफ द टूब विच आर क्वाइट अ पार्ट एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू अप द इंस्ट्रूमेंट मिडवे बिटवीन द पॉइंट्स यह भी सही है और लेवल इज इन एडजस्टमेंट द लाइन ऑफ साइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड पैरल टू द बबल ट्यूब एंड इसका आखिरी सवाल अडम्पी लेवल इज प्रेफर टू डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट एंड दैट इज लाइंग इन मोडेटरी फ्लैट्रेन उम्मीद करता हूं लेवलिंग पर आधारित यह सवाल आपके लिए परीक्षा के लिए काफी उपयोगी हो होंगे फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए जो जे या एन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं धन्यवाद